क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और आगे जाके उनको किस किस परेशानी से दवाई की वजह से बचाया जा सकता है, जल्दी इलाज करें ताकि जल्दी हम कुछ रोग से छुटकारा पा सके। इस साल हम ये आगे बढ़ाना चाहते हैं सरकार की तरफ से संदेश कि जितनी जल्दी आप इलाज कराएंगे उतनी जल्दी हम दुनिया से कुछ रोग खत्म कर पाएंगे। कुछ रोग के कुछ जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो होते हैं सुन्नी महसूस होना, सफ़ेद निशान बनना शरीर में, बालों का कम होना, कम पसीना आना या फिर कहीं पे चमड़ी का सूखा पड़ना, ये सब कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण होते हैं। उसके बाद अगर उस समय पे इलाज नहीं कराया जाता तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल सकती है। जब ये बीमारी शरीर में फैलती है तो उसकी वजह से आपकी उंगलियां गल के कट सकती हैं, आपके और आँखों पे असर आ सकता है और भी शरीर के अंदर अंदरूनी अंगों पर इस बीमारी का असर आ सकता है। सरकार की तरफ से मुफ्त प्रदान की जाती हैं जिनमें तीन दवाइयाँ होती हैं, एक होती है डैप्सॉन, दूसरी होती है क्लोफाजामीन और तीसरी होती है रिफैम्पिसिन। ये इसमें से रिफैम्पिसिन जो है जो एक नारंगी रंग की दवाई होती है वो हर महीने सरकारी अस्पताल में अपने आँखों के सामने दी जाती है मरीज को, ये देखने के लिए कि मरीज समय पे दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसके अलावा बाकी दवाइयाँ घर के लिए दी जाती हैं जो आपको रोज़ लेनी होती है। उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको पूछना है उसके बाद। ये बीमारी जड़ से ख़त्म की जा सकती है, इस बीमारी इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है ताकि आप अपनी एक नॉर्मल आम आदमी की तरह आप एक ज़िंदगी जी सकें और इस बीमारी से मुक्त हो सकें। ठीक है, कुछ पूछना है आपको अपनी बीमारी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जो बीमारी ये है कि ख़त्म होगी या नहीं होगी, कुछ लोग कहते हैं ख़त्म नहीं होगी। नहीं, ख़त्म हो जाती है, इलाज थोड़ा लंबा चलता है, हम एक जांच करते हैं उससे पता चलता है कि आपको आपके अंदर कितने कीटाणु हैं, कीटाणु के मात्रम से हमें जांच के मात्रम से पता चलता है कितने कीटाणु हैं, फिर कितने कीटाणु होते हैं उसके हिसाब से हम आपको दवाई बताते हैं कि आपकी कितने साल तक दवाई चलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा सोचने की बात नहीं है कि आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, जड़ से ये बीमारी का इलाज हो सकता है और आप कुष्ठ रोग मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको आपकी बीमारी के बारे में?